हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो बुक है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का, उसमें जो पार्ट बी है उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट यूनिट, या जिसका नाम है फिफ्थ यूनिट, क्योंकि पार्ट बी में है तो उसे फर्स्ट यूनिट कहें या फिफ्थ यूनिट कहें। तो फिफ्थ यूनिट है जो डीसी और एसी सर्किट्स। उसमें इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टेंस, या फिर इसे कहेंगे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट। तो चार्जिंग की बात हम लोग कर लिए कि कैसे भी कोई कैपेसिटर चार्ज होगा थ्रू रेजिस्टेंस। तो आरसी सर्किट की चार्जिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद हमें पढ़ना है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टेंस, क्या कहें तो डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट। आरसी सर्किट पिछली बार भी बनाए थे हम लोग पिछले लेक्चर में, कैसे बना था, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ, एक रजिस्टर लगा हुआ जिसका रजिस्टेंस है कैपिटल आर, दूसरा एक कैपेसिटर लगा हुआ जिसका कैपेसिटेंस है कैपिटल सी, और इसमें लगाई गई थी एक बैटरी। पिछले वाले लेक्चर में जब चार्जिंग की बात कर रहे थे तब इसमें लगाई गई थी एक बैटरी। इस प्रकार से था, बैटरी का ईएमएफ था कैपिटल ई। बैटरी जोड़ने के साथ ही क्या हुआ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ये करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करने का ये मतलब हुआ कि यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से दौड़ रहे हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं तो इस बैटरी पे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। स्विच को क्लोज करने के बाद अब यहाँ से क्या हुआ, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स आके यहाँ कलेक्ट हो रहे हैं। तो जो कैपेसिटर होता है वो होता है दो पैरेलल प्लेट्स, तो पैरेलल प्लेट्स पे अगर चार्ज इकट्ठा हो रहा है तो उसे कहेंगे चार्जिंग। अब कुछ समय बाद ये फुली चार्ज हो गया, फुली चार्ज होने के बाद यहाँ तक की कंडीशन हम लोग पढ़ चुके थे। इस हेडिंग में पढ़ना ये है कि जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, जितना इसे चार्ज होना था कम्प्लीटली चार्ज हो गया। चार्ज होने के बाद अब इसमें से, अब क्योंकि बैटरी के ईएमएफ से तो ये चार्ज हो नहीं पाएगा, क्योंकि जितना बैटरी का ईएमएफ था इतना कैपेसिटर का भी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, उसके बराबर हो जाने के बाद उससे ज़्यादा वो चार्ज नहीं होगा। तो फुली चार्ज हो गया कैपेसिटर, कैपेसिटर के फुली चार्ज होने के बाद हम यहाँ से रिमूव कर देंगे बैटरी। अब बैटरी को जब रिमूव कर देंगे तो वो कैपेसिटर होगा डिस्चार्ज, और वहीं है हमारी हेडिंग। तो अब यहाँ से क्या किया गया, जो बैटरी थी ईएमएफ, ईएमएफ की बैटरी थी, इसे क्या किया गया, इसे यहाँ से हटा दिया गया, इसे तार से कनेक्ट कर दिया गया। ये बैटरी था, बैटरी हट गया, स्विच भी ऑन है, सर्किट क्लोज है। इस टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट थे और इस पे नेगेटिव चार्ज कलेक्ट थे। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है इधर से इधर की ओर मूव करेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेंगे उधर फ्लो करेगी करंट, तो इसमें करंट फ्लो करने लगी। अब इसके साइकिल की बात करें, इधर से इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी, तो करंट इधर फ्लो करेगी। तो पूरा क्या सर्किट ये हो गया कंप्लीट, इसमें करंट इधर से इधर फ्लो करने लगी। और जब जैसे जैसे चार्ज इस बैटरी पे कम होते जाएंगे करंट की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, उसी को हमें पढ़ना है कि कैसे इस पे जब जब चार्ज कम होंगे, चार्ज कम होगा तो इसे कहेंगे डिस्चार्जिंग, और जैसे जैसे चार्ज होगा कम होगा वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी सर्किट में घटेगी। शुरुआत में ये कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज था, फुली चार्ज था, तो जो करंट की वैल्यू होगी वो होगी मैक्सिमम। उसके बाद जैसे जैसे चार्ज की क्वांटिटी घटेगी, चार्ज की मात्रा घटेगी, वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी सर्किट में घटेगी। अगर कुछ बातें आपको एग्जाम में लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड, शुरुआत करेंगे व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज, कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड, कंप्लीटली चार्ज्ड हो गया, ये पूरा का पूरा इसमें आवेश आ गया कैपेसिटर में। बैटरी इज रिमूव्ड चार्ज्ड, बैटरी इज रिमूव्ड, जो ईएमएफ की बैटरी थी बैटरी को इसमें से हटा लिया गया, बैटरी इज रिमूव्ड। तो रिमूव करने के साथ साथ क्या होगा, अब जब बैटरी को हटा दिए और ये सर्किट जब हो जाएगा कंप्लीट, इसका यहाँ कुछ जोड़ देंगे वायर वायर, और उसके बाद वायर जोड़ने के बाद ये सर्किट हो जाएगा कंप्लीट। और जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो ये कैपेसिटर अब डिस्चार्ज होना शुरू करेगा, तो लिखें देन कैपेसिटर स्टार्ट्स टू
स्टार्ट शुरू करता है, स्टार्ट्स टू डिस्चार्ज, इस पे चार्ज की वैल्यू धीरे धीरे कम होगी, इसे कहेंगे डिस्चार्ज। तो अब क्या हुआ कि जैसे जैसे कैपेसिटर से करंट फ्लो कराएगा, कैपेसिटर अपने चार्ज को कम कराता जाएगा, कैपेसिटर चार्ज को कम कराएगा तो अब इसमें करंट भी फ्लो करेगी। मतलब ये हुआ कि अब जब ये फुली चार्ज हो गया था कैपेसिटर, फुली चार्ज होने के बाद इस पर मैक्सिमम चार्जेस थे, अधिकतम आवेश था, धीरे धीरे इसके आवेश कम हो रहे हैं, और आवेश कम हो रहे हैं तो इसे कहेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का डिस्चार्ज होना अर्थात इसके आवेशों का लगातार कम होना। अब मान लिया गया किसी टाइम पे इस कैपेसिटर पे सी चार्ज, क्यू चार्ज बचे हुए थे, इस कैपेसिटर पे किसी टाइम पे मान लिया गया क्यू चार्ज थे, पहले क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज थे, समय घट बढ़ते बढ़ते कुछ समय बाद हुआ कि इसमें से मान लिया गया पहले 100 कूलम 100 आवेश थे, 100 चार्ज थे, और कुछ समय बाद इस पे 80 चार्ज बचे, उसी 80 को कह लिया गया क्यू। तो लिख लें एट एनी टाइम इंस्टेंट टी, एट एनी टाइम इंस्टेंट टी, एनी टाइम इंस्टेंट इंस्टेंट टी, लेफ्ट चार्जेस आर क्यू, इस पे जो बचे हुए चार्ज है वो है क्यू, लेफ्ट या रिमेनिंग चार्जेस आर क्यू, लेफ्ट चार्जेस आर क्यू, क्यू चार्जेस पे बच गए। तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, जानते हैं फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू होता है सी वी, क्यू है चार्ज, सी है कैपेसिटेंस, और वी है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसका, इस कैपेसिटर का। तो इस कैपेसिटर की अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी क्यू बाई सी। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कितना होगा, तो ये हो गया प्लेट्स, इन प्लेट्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, क्यू बाई सी, क्योंकि किसी भी टाइम पे इस पे चार्ज बचे थे क्यू, इसका कैपेसिटेंस तो सी है ही, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही फाइंड करना था। तो क्यू इज इक्वल टू होता है सी इंटू वी, वी की वैल्यू यहाँ से मिल गई क्यू बाई सी। इस बात को भी लिख लें कि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा इस समय, पोटेंशियल डिफरेंस Across the plates of capacitor, across the plates of capacitor, across the plates of capacitor तो किसी टाइम टी पर अगर चार्ज क्यू है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा विल बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू, विल बी क्यू बाई सी, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी क्यू बाई सी। अब क्या होगा, अब जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये क्या काम करेगा, ये करंट को ड्राइव कराएगा, करंट को इसमें फ्लो कराएगा, करंट को चलाएगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगी। तो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस ड्राइव द करंट इन द सर्किट, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विल बी क्यू बाई सी, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस PD लिख दिए, दिस पोटेंशियल डिफरेंस विल ड्राइव द करंट, या दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज ड्राइविंग द करंट, इज ड्राइविंग द करंट, इज ड्राइविंग द करंट, ड्राइविंग द करंट थ्रू रेजिस्टेंस। इतनी कहानी हमें एग्जाम में लिखनी है, तो थ्रू रेजिस्टेंस आर, तो बाई ओम्स ला भी लिख सकते हैं, बाई ओम्स ला या फिर बाई किरचॉफ्स वोल्टेज ला, तो बाई ओम्स ला लिखें, बाई ओम्स ला क्या होता है, ओम्स ला के अकॉर्डिंग होता है, ओम्स ला के अकॉर्डिंग होता है वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर, वी जहाँ पे वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास है Q by C is equal to, लिख लिया जाएगा आई आर, एक्सप्रेशन हमें मिल गया Q by C is equal to आई आर। तो अब जो है I करेंट है और R है रेजिस्टेंस,
अब इतनी बात हम लोग पढ़ चुके हैं, इतना एग्जाम में आपको लिखना है, उसके बाद आगे हमें फर्दर सॉल्व करना है। तो क्या कि कैपेसिटर सबसे पहले फुली चार्ज कर लिया गया, व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज देन बैटरी इज रिमूव्ड, बैटरी को निकाल दिया गया यहाँ से, बैटरी निकालने के बाद इसे कनेक्ट कर दिया गया, स्विच क्लोज है तो सर्किट हो गया कंप्लीट। सर्किट जब कंप्लीट हो गया देन कैपेसिटर स्टार्ट टू डिस्चार्ज, डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा। किसी टाइम पे अगर क्यू चार्ज है, किसी टाइम टी पे अगर क्यू चार्ज इस पे बचा हुआ है, तो फॉर्मूला हमारे पास है क्यू इज इक्वल टू सी वी, वहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा क्यू बाई सी। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर होगा क्यू बाई सी, और यही पोटेंशियल डिफरेंस करंट को ड्राइव कराएगा, और ड्राइव कराएगा तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अब इस सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो गया क्यू बाई सी, और क्यू बाई सी इज इक्वल टू होता है आई आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मतलब वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर, तो क्यू बाई सी इज इक्वल टू हो गया आई आर। अब आइए इसमें करंट, और करंट की अगर बात करें तो करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डी क्यू बाई डी टी, लेकिन ये क्या है, करंट की वैल्यू जो है वो है डी क्यू बाई डी टी, और चार्ज जो है समय के साथ लगातार घट रहा है, तो इस एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे I इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी, और इसे प्लेस करके इस इक्वेशन को करते हैं सॉल्व। तो अगर यहाँ तक नोट नहीं कर पाए आप लोग तो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट करें, उसके बाद हमें क्या लिखना है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड कर लिए थे, एक्सप्रेशन था Q by C इज इक्वल टू आई आर, आई की जगह हमें रखना है माइनस डी क्यू बाई डी टी इंटू ये हो गया R, इंटू ये हो गया R, डी टी वाले टर्म को यहां लिखे अगर तो ये हो गया डी टी अपॉन में तो C था ही, इस R को मल्टीप्लाई में था यहां अपॉन में लाए सी आर हो गया इज इक्वल टू ये है माइनस डी क्यू, और इसके साथ क्या है आर तो यहाँ भेज दिया गया, डी टी को भी यहाँ भेज दिया गया, यहाँ बचा था क्यू, क्यू मल्टीप्लाई में था इस साइड जाएगा डिवाइड में, ये हो गया माइनस डी क्यू बाई क्यू। अब हमें करना है इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू क्यू, चार्ज के रेस्पेक्ट में टाइम को इंटीग्रेट किया जा रहा है, तो अब इसे क्या किया जाए इंटीग्रेट किया जाए, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करें, तो डी टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो गया टी, टी बाई सी आर इज इक्वल टू यहाँ से इसका इंटीग्रेशन ये हो गया माइनस लॉग क्यू, क्योंकि वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, तो ये वन बाई क्यू, इसका इंटीग्रेशन हो गया लॉग क्यू और माइनस ऑलरेडी है तो ये हो गया माइनस लॉग क्यू। कोई कांस्टेंट लिखना है सी का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखा जाता है, लेकिन यहाँ सी जो है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, इसलिए सी ना मान के यहाँ मान लिया गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो हो गया के। इसे बना लें इक्वेशन नंबर वन, टी बाई सी आर इज इक्वल टू माइनस लॉग क्यू प्लस के को कहा गया इक्वेशन नंबर वन। तो इक्वेशन नंबर वन जब बन गया तो अब इस पर अप्लाई करते हैं इनिशियल कंडीशन, शुरुआत में क्या रहा होगा, शुरुआत में जब बैटरी हटा के कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया होगा तो ये फुली चार्ज था, इसमें जो चार्ज था इसमें जो आवेश था वो था अपनी मैक्सिमम संख्या में, अपनी अधिकतम नंबर में चार्ज था, यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी में अवेलेबल चार्ज था। तो एट टी इज इक्वल टू जीरो इनिशियल कंडीशन में, एट इनिशियल कंडीशन ये बात भी लिखना हो तो ये बात भी लिख सकते हैं कि एट इनिशियल कंडीशन या एट टी इज इक्वल टू जीरो लिखी दे, एट इनिशियल कंडीशन एट टी इज इक्वल टू जीरो क्यू जो चार्ज की वैल्यू थी वो मैक्सिमम थी, क्यू इज इक्वल टू लिख लिए क्यू नॉट। अगर इस बात को इस एक्सप्रेशन में इक्वेशन नंबर वन में रखा जाए, इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर वन में रखा जाए तो लिखें बाई इक्वेशन नंबर वन, बाई इक्वेशन वन क्या हो जाएगा, इक्वेशन वन का हल ये हो गया टी बाई सी आर था, टी की वैल्यू ही जब जीरो हो गई तो ये हो गया जीरो बाई सी आर इज इक्वल टू माइनस लॉग, माइनस लॉग, और क्यू की वैल्यू हमें रखना है क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज जब फुली चार्ज था कैपेसिटर प्लस के। तो ये वैल्यू जो हमें मिली वो क्या मिली, ये हो गई जीरो इज इक्वल टू माइनस लॉग क्यू नॉट प्लस के, और अगर के की वैल्यू चाहिए यहाँ से तो के की वैल्यू के लिए इसे इधर भेजना होगा, ये माइनस है इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू हो गया प्लस लॉग क्यू नॉट। तो k की वैल्यू हमें मिल गई, k की वैल्यू हमें मिल गई कि लॉग क्यू नॉट,
अब के की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर वन में रखना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन नंबर वन। तो यहाँ तक नोट करने के बाद हमें क्या करना है, के की वैल्यू हमें मिल गई इक्वेशन नंबर वन में। इनिशियल कंडीशन अप्लाई करने के बाद हमें के की वैल्यू मिल गई, के की वैल्यू जो है वो मिली है क्यू नॉट, के की वैल्यू क्यू नॉट रख दे रहे हैं। अब देखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन नंबर वन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन वन क्या होता है, ये हो गया टी बाई सी आर इज इक्वल टू, यहाँ से हो गया माइनस लॉग क्यू प्लस के, के की वैल्यू मिली है लॉग क्यू नॉट, लॉग क्यू नॉट, लॉग क्यू नॉट हो गया। अब इसे सॉल्व करना, सॉल्व करने के लिए क्या करें, माइनस यहाँ से अगर कॉमन ले लें, ये हो गया टी बाई सी आर इज इक्वल टू माइनस, कॉमन ले लिया गया, यहाँ से बचा लॉग क्यू और यहाँ प्लस था माइनस हो गया माइनस लॉग क्यू नॉट। अब ये हो गया लॉग एम माइनस लॉग एन, और लॉग एम माइनस लॉग एन को लिखा जाता है लॉग एम बाई एन, लॉग एम बाई एन, तो लॉग एम बाई एन लिखा जाता है, तो ये हो गया माइनस लॉग एम की वैल्यू क्यू, एन की वैल्यू क्यू नॉट, तो एम बाई एन अर्थात क्यू बाई क्यू नॉट। ये माइनस यहाँ पे एक्सेस है, माइनस को इधर लिख लिए, ये हो गया माइनस टी बाई सी आर इज इक्वल टू लॉग क्यू बाई क्यू नॉट। अब क्या करें, इसका एंटी लॉग ले लें, लॉग को यहाँ से हटाना है, लें इसका एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग, तो एंटी लॉग लेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म में हो जाएगा, ये हो गया ई टू द पावर माइनस टी बाई सी आर इज इक्वल टू लॉग, यहाँ से ख़त्म, ये वैल्यू होगी क्यू बाई क्यू नॉट, ये वैल्यू हो गई Q बाई क्यू नॉट। हमें चार्ज की वैल्यू चाहिए, तो चार्ज की वैल्यू होगी तो Q नॉट का इधर मल्टीप्लाई कर दें, चार्ज की वैल्यू हमें मिल जाएगी, Q इज इक्वल टू हो जाएगा Q नॉट, इसमें मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया e टू द पावर माइनस टी बाई सी आर, ये हो गया एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन के आधार पर अगर ग्राफ बनाए तो क्या बना सकते हैं, अगर टाइम की वैल्यू की बात करें तो टाइम की वैल्यू अगर ज़ीरो रखते हैं तो ये पूरा टर्म हो गया ज़ीरो और इसकी वैल्यू हो जाएगी वन, तो टाइम की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट, अर्थात इस कैपेसिटर की प्लेट्स पे, पैरेलल प्लेट्स पे जो चार्ज होगा वो क्यू नॉट होगा, अर्थात मैक्सिमम होगा। तो स्टार्टिंग में जब वो फुली चार्ज था तो उस पर मैक्सिमम चार्ज था ही, अब टाइम की वैल्यू जैसे ही बढ़ेगी, टाइम की वैल्यू जब बढ़ेगी तो ये वैल्यू जो है एक्सपोनेंशियल टर्म की वैल्यू घट जाएगी, और जब घटी वैल्यू का इसमें, पहले तो वन वैल्यू थी तो ये चार्ज अगर हंड्रेड था, क्यू नॉट की वैल्यू अगर 100 है तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो 100 आ गया फुली चार्ज। अब इसकी वैल्यू, टी की वैल्यू जैसे बढ़ेगी इसकी वैल्यू घट जाएगी, और इसकी वैल्यू घट के 1 से कम हो गई 0.9 हो गई, तो जब 100 टोटल चार्ज क्यू था, क्यू का 0.9 में मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 90, तो अर्थात चार्ज की वैल्यू टाइम के साथ घट रही है। अब अगर और टाइम बढ़ जाए, टाइम की वैल्यू और बढ़ गई और इस एक्सपोनेंशियल टर्म की वैल्यू 0.9 से अब कम ही आएगी, 0.8 आ गया, तो 0.8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 80, अर्थात इस प्रकार से चार्ज की वैल्यू धीरे धीरे घट रही है, चार्ज की वैल्यू धीरे धीरे जिस अब घट रही है, तो इसके लिए अगर ग्राफ बनाए तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, एक साइड बनाएंगे टाइम और दूसरे स्लोप पे बनाएंगे, एक एक्सिस पे बना लिए टाइम, इस वाले पे बना लिया गया टाइम और इस वाले एक्सिस पे, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे बना लिया गया चार्ज। मान लिया गया कोई एक ये पॉइंट है, यहाँ पे जो चार्ज है वो है मैक्सिमम चार्ज, तो स्टार्टिंग में टाइम टी की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो जब है तो ये फुली चार्ज है, अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ेगी ये जो है डिस्चार्ज होना शुरू होगा, इसी को कहेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब इस एक्सप्रेशन के आधार पे जो एक्सप्रेशन मिला है हमें क्या मिला है, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई सी आर। तो सी आर की अगर डायमेंशन की बात करें तो सी आर का जो डायमेंशन होता है वो होता है डायमेंशन टाइम का, सी आर का जो डायमेंशन होता है वो होता है सेम एज द डायमेंशन ऑफ टाइम, तो इसकी जगह टाइम रखा जा सकता है। टाइम रखने के बाद इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आती है ये हम देखते हैं, जिसकी वैल्यू आएगी 0.37, सॉल्व करके इसे देख रहे हैं, इसके लिए एक नई हेडिंग बनाते हैं की पॉइंट, और की पॉइंट में इसे देखते हैं कि इसका डायमेंशन कैसे टाइम के सेम है, सी आर का जो डायमेंशन है वो टाइम के डायमेंशन के सेम है, और इसे कहा जाएगा
कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट या टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट, टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट या कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट, जैसे एल बाई आर को कहा जाता था इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, वैसे ही सी आर को कहा जाता है कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। और कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट का जो डायमेंशन है वो सेम है एज द डायमेंशन ऑफ टाइम। तो देखते हैं, तो इस एक्सप्रेशन के बाद देखते हैं इसका की पॉइंट्स। की पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, की पॉइंट्स, तो एक्सप्रेशन हमारे पास है क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई सी आर। तो की पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो जो सी आर है उसे या टाउ लिखें या लैम्डा लिखें, अलग बुक में अलग नाम से इसे, अलग एक्सप्रेशन से इसे लिखा गया होगा। तो सी आर इज इक्वल टू लैम्डा लिख लिया गया, और इसका जो नाम है वो कहा जाता है कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। प्रीवियस लेक्चर में भी आप इसे पढ़ चुके हैं, इसका नाम हो गया कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट, या कहें इसे टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट, टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट। तो ये हो गया कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। अब इसके डायमेंशन की बात करें अगर, तो इसका जो डायमेंशन या जो यूनिट है वो सेम एज द यूनिट ऑफ टाइम है। कैसे? सी और आर है, सी है कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है वो होता है फैरड, फैरड होता है। और आर जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओम। और कैपेसिटर की अगर दूसरे यूनिट की बात करें तो कैपेसिटेंस का जो यूनिट है, एक फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू सी वी, तो यहाँ पे C है कैपेसिटेंस, तो C की वैल्यू कितनी हो गई, Q बाई वी। Q मतलब है चार्ज, चार्ज की यूनिट हो गई कूलम, और V मतलब है वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस है और इसकी यूनिट होती है बोल्ट, तो ये होगा कूलम बाई बोल्ट। किसकी यूनिट? कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस की जो यूनिट है वो लिख लिए कूलम बाई वोल्ट, और यहाँ पे लगा हुआ है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो गई ओम। तो एक और एक्सप्रेशन हम जानते हैं, अगर करंट V इज इक्वल टू, बात की V इज इक्वल टू होता है आई आर, V इज इक्वल टू होता है आई आर, आई है यहाँ करंट, तो I की वैल्यू की बात करें तो I इज इक्वल टू हो गया V बाई आर, V जो है वो है बोल्ट और R जो है वो है रेजिस्टेंस, अर्थात जिसकी यूनिट है ओम। तो वोल्ट बाई ओम जो है वो करंट है, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, तो वोल्ट है, ये ऊपर मल्टीप्लाई में है तो इसके नीचे अपॉन में लिखें तो डिवाइड में आ गया ये ओम, तो ये हो गया वोल्ट बाई ओम, और वोल्ट बाई ओम की जगह लिखा जा सकता है एम्पियर, वोल्ट बाई ओम की जगह लिखा जा सकता है एम्पियर। एम्पियर यानी हो गया करंट, और करंट और एम्पियर से अगर, मतलब चार्ज और करंट से रिलेटेड अगर फार्मूले की बात करें तो एक फार्मूला और होता है, I इज इक्वल टू हो गया Q बाई टी। अगर टाइम की बात करें तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई आई, Q मतलब कूलम, I मतलब एम्पियर, तो कूलम बाई एम्पियर जो हो गया वो हो गया टाइम, अर्थात इसकी जगह लिखा जा सकता है टाइम, और सी आर इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू लिखा जा सकता है, सी आर इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू लिखा जा सकता है टाइम, और कह सकते हैं इट हैज़ द यूनिट ऑफ, या इट हैज़ सेम यूनिट एज टाइम, मतलब इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट एंड इट हैज़ सेम यूनिट एज टाइम। तो समय की जो यूनिट होती है वही इसकी भी यूनिट होती है इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट की, इस बात को हम देख भी चुके। फर्स्ट पॉइंट हो गया ये कंप्लीट। सेकंड पॉइंट में हमें क्या करना है कि जो सीआर मतलब कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट है इसकी वैल्यू रखें टी, यही लैम्डा है, या फिर इसकी वैल्यू अभी टी हम देख चुके कि टाइम की यूनिट के बराबर है, सेम है, तो इसकी जो वैल्यू है वो रखी जा सकती है टी। तो इसी एक्सप्रेशन में क्या एक्सप्रेशन था, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई सी आर, और सी आर जो कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट है उसका जो डायमेंशन है, उसका जो यूनिट है वो टाइम के यूनिट के बराबर है, तो इसकी जगह रख दें टी, टी बाई टी मतलब कैंसिल, ये हुआ माइनस वन। तो क्यू इज इक्वल टू लिख लिया गया क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस वन, ई टू द पावर माइनस वन इनवर्स लिखें, ये लिखा जा सकता है क्यू नॉट बाई ई। एक तो एक्सप्रेशन ये हो गया क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई ई, मतलब
जो सी आर इज इक्वल टू लेमडा या टी रखे हैं तो इंडक्टिव जो टाइम जो कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट है वो कौन सा टाइम है, वो टाइम है जिसमें कोई भी कैपेसिटर अपने मैक्सिमम चार्ज का 1/E टाइम डिस्चार्ज हो जाता है, उसी टाइम को कहा जाता है कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट, उसी टाइम को कहा जाता है कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। इसे अगर फर्दर सॉल्व करें तो E की वैल्यू रख सकते हैं, E की वैल्यू अगर रखेंगे तो ऊपर है क्यू नॉट और E की वैल्यू होती है 2.718, इसे अगर डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू आती है 0.37 ऑफ क्यू नॉट, तो Q की वैल्यू हो गई 0.37 ऑफ क्यू नॉट। तो कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसमें कोई भी कैपेसिटर अपने मैक्सिमम चार्ज का 37% डिस्चार्ज हो जाए या टोटल जो चार्ज है वो फॉल हो जाए 37%, उस टाइम को ही कहा जाएगा कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। और इसके लिए अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं कि कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसमें कोई भी कैपेसिटर अपने मैक्सिमम चार्ज का 37% फॉल हो जाता है, गिर जाता है, कुल चार्ज का 37% चार्ज उसका कम हो जाता है या कुल चार्ज मैक्सिमम चार्ज का 1/E टाइम्स हो जाता है। तो कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट इन विच चार्ज ये चार्ज की वैल्यू तो कम हो रही है, इन विच चार्ज फॉल्स टू 1/E टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू मतलब क्यू नॉट जो मैक्सिमम चार्ज था मैक्सिमम वैल्यू या इट्स मैक्स या 1/E टाइम्स ऑफ मैक्सिमम चार्ज कहें या कहें इट्स मैक्सिमम वैल्यू, चार्ज की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके 1/E टाइम हो जाएगा या मैक्सिमम जो चार्ज है उसका 1/E टाइम हो जाएगा या मैक्सिमम जो चार्ज है उसका 37% हो जाएगा या फिर मैक्सिमम जो चार्ज है उसका 0.37 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर एग्जाम में ये आता है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टेंस तो आपको यहाँ तक पूरा करके आना है और जो ग्राफ बना हुआ था उस ग्राफ को ही भी बनाना है। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं, ऐसे इस प्रकार से टाइम था और इधर की ओर बनाया गया चार्ज। चार्जिंग के लिए क्या होगा, चार्जिंग के लिए जो ग्राफ प्लॉट किया गया था वो इस प्रकार से था और डिस्चार्जिंग में क्या था मैक्सिमम वैल्यू से ये घटेगा तो इस प्रकार से ये डिस्चार्ज होता है। तो इस प्रकार से ये हो गया चार्जिंग के लिए और ये हो गया डिस्चार्जिंग के लिए। तो दोनों ग्राफ बन गए, एग्जाम में जब आएगा मोस्टली यही पूछा जाता है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टेंस मतलब चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ RC सर्किट। बाकी दो लेक्चर्स में आपको याद करने और नोट्स बनाने में आसानी रहे इसलिए इन दोनों को अलग अलग करके बता दिया गया कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू RC सर्किट फिर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू RC सर्किट। अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो आएगी उसमें हम लोग फिर एक और हेडिंग के साथ पढ़ेंगे कि चार्जिंग ऑफ एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू, उसमें रेजिस्टेंस भी रहेगा और इंडक्टेंस भी रहेगा, दोनों के थ्रू कैसे उसका चार्जिंग हो रहा है और कैसे उनका डिस्चार्जिंग हो रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।